तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14 पद संख्याएं 7 से लेकर 12 तक। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। हम सब ईश्वर के न्यायसन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्मग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15 पद संख्या 1 से 10 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री ये कहकर बुनबुनाते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको ये दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़े हो और उनमें से एक भी भड़क जाए तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना चला जाए और उस भड़की हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भड़की हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक भी खो जाए तो बत्ती जलाकर और घर बुखार कर सावधानी से तब तक न खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने जो खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज हमारे देशवासी दीपावली का त्योहार मनाते हैं।
ये कार्तिक अमावस्या का दिन होता है पूर्णिमा, ये त्यौहार शायद इसका शुरुआत हार्वेस्ट फेस्टिवल से, मैंने फसल काटने से उसे शुरू है, परंतु लोग इसको अंधकार की ओर ज्योति का विजयी के रूप में, बुराई की ओर धार्मिकता के विजयी की भावना से, या अंधकार की ओर अज्ञान की ओर, अज्ञान के ऊपर ज्ञान की विजय की भावना से मनाते हैं। परिवारों, घरों, सड़कों, मंदिरों, हर सार्वजनिक जगहों भी दिया जलाए जाते हैं और लोग विजय, आनंद और कुशलता की भावना से त्योहार को मनाते हैं। हम देश के हर कोने में इस त्योहार के लोग मानते हैं। कई प्रकार के कहानियाँ और पुराण के बातें हैं, वो जगह जगह से अलग अलग होते हैं, आंध्र प्रदेश में अलग अलग होते हैं, परंतु इसके बीच जो भावना है यही है, हमें पुरानी बातों को छोड़ देना है, नया लाना है, क्योंकि घरों में अभी सब घर सफाई होती है, पेंटिंग होता है, घर को साफ सफाई के लिए अलंकृत करते हैं, तो पुराने जो हमारे जीवन में जो पुरानी बातें उस सब को छोड़ के नया व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं। अंधकार को दूर करने में ज्योति की जरूरत है, इसलिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था कि मैं संसार की ज्योति हूँ। जोन के सुसमार्ग अध्याय 12 पद संख्या 46 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ। तो ये हमारे लिए एक प्रकार ज्योति का त्यौहार, यीशु मसीह संसार के ज्योति के रूप में हम मानते हैं और उनके आदर में मना सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा तुम संसार की ज्योति हो। हर एक शिष्य प्रभु की ज्योति को फैलाना, स्वयं ज्योति बनकर हमें अंधकार को दूर करना है। अंधकार है जो पाप का अंधकार, बुराई का अंधकार, हर प्रकार का चोषण का अंधकार, गरीबी का अंधकार, बीमारी का अंधकार, हर प्रकार के बंधन का अंधकार, इस सब को समाप्त करने में हमारा योगदान देना। देशवासियों के साथ हम भी इस महान त्यौहार को मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में आज का पाठ, पहला पाठ पौलुस का रोमियों नाम पत्र से लिया गया है। आज के पाठ में पौलुस रोमियों को, विश्वासियों को समझाते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, सब इंसान भाई भाई हैं, भाईचारे को बनाए रखना आवश्यक है। रोमियों के नाम का ये पत्र का 14 अध्याय में पौलुस उन बातों पर विचार करते हैं जिन पर रोम के कलीसिया में मतभेद था, पुराने जमाने में भी मतभेद इस बात पर है कि कुछ लोग अपने को दूसरों से अच्छा समझते हैं, कुछ लोग ऐसे ही कि पुराने जमाने में मंदिरों में बलि चलाए जाते थे, जानवरों की बलि, और उसका मांस बाजार में बेचा जाता था, रोम में ऐसा किया जाते थे, और रोम के विश्वासियों में ऐसे कुछ लोग थे जो कहते कि बाजार में बेचा जाने वाला मांस पता नहीं है ये देवी देवताओं को चढ़ाए गए मांस है या नहीं, मूर्ति पूजक बनना नहीं चाहते, इसलिए लोग मांस खाना छोड़ दिया। दूसरे लोग कहते हैं कि हमें इसके कोई परवाह नहीं, मंदिर में चढ़ाए गए ये मांस हो या देवी देवताओं को चढ़ाए गए या मांस हो, वो एक्सपायरी डेट के पहले मिल जाता है तो खा लेते हैं। तो खाने पीने के बात पर मतभेद था। इसी तरह भाषा के आधार पर भी साधारण लोगों की भाषा रह गई थी लैटिन भाषा, जो गरीबों की भाषा थी उस समय जमाने में, और पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी साम्राज्य का भाषा, ये तो है यूनानी भाषा। सिकंदर के जमाने से यूनानी भाषा पूरे यूरोप को कब्जा कर दिया था। तो ऐसे भी मतभेद थे लोगों में, कई प्रकार का मतभेद। इसे पौलुस कहते हैं आप लोग ऐसा विभाजित नहीं होना। अच्छा, मैं यीशु को देखता हूँ, यीशु
वही व्यक्ति है, वो शक्ति है, वो सिद्धांत है जो सबों को जोड़ देते हैं। पौलुस के लिए यीशु सब कुछ था। पौलुस अपने पत्रों में लिखते हैं, मैं यीशु को जानना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मानता हूँ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीष यही है। यीशु को जानने के पहले पौलुस आतंकी लगा था, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते हुए दूसरों को उन्मूलन करना चाहता था, वो सब टूट गया। जब यीशु उनके जीवन में आया, उनके जीवन में परिवर्तन आया, वो नया व्यक्ति बन गया। और यीशु का संदेश दुनिया के कोने कोने में, यीशु का संदेश प्रेम का संदेश है, ईश्वर प्रेम है। और हमें अपने भाई बहनों की सेवा करना चाहिए। यदि हम सेवा नहीं करते हैं भाई बहनों की, तो हम ईश्वर को भी प्रेम नहीं करते हैं। पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते प्रेम के बारे में एक सुंदर व्याख्यान वो देते हैं, मेरे पास सब कुछ है परंतु प्रेम नहीं है तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं, मैं केवल आवाज करने वाला एक ढोलक बन जाएगा, उसमें कुछ अर्थ नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारे जीवन में जब यीशु है तो हम संसार की ज्योति बन जाएंगे। ये पौलुस अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि पौलुस कहते आप लोग मेरा अनुकरण करें, क्योंकि मैं प्रभु का अनुकरण करता हूँ, मेरा जीवन बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, मैं नया बन गया हूँ। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं मसीह को जानूँ, उत्तरोत्तर जानूँ। हर दिन हम ईश्वर को अधिक से अधिक जान सकते हैं, ईश्वर का अनुभव हमारे जीवन में अधिक अधिक दिनों भर होता रहता है, तभी हम ईश्वर के अनुरूप बन जाएंगे। ईश्वर के अनुरूप बना यह सबों की कामना है, हमारे ऋषि मुनियों की भी यही कामना था कि वो ईश्वर का अनुभव करे और ईश्वर के अनुरूप बन जाए। ये सब लोगों के दिल में ये बना है, मैं बुराई को छोड़ दूँ, परंतु अपने आप अपनी शक्ति से छोड़ नहीं सकता। आज का त्यौहार जो दिवाली का त्यौहार है, इस अंधकार को भगाओ ज्योति जलाकर, क्योंकि अमावस्या के दिन पूरा अंधकार है पूरे दिन का, और अंधकार को मिटाने के लिए ज्योति जलाते हैं। और एक मोमबत्ती बहुत बड़ा काम करेगा अंधकार में, ये मोमबत्ती की रोशनी में बच्चे पढ़ सकते हैं। जब पूरे दुनिया अंधकार में छाया रहता है तो आप मोमबत्ती का काम बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रभु का ये आदेश है कि हम भी ज्योति बने, संसार की ज्योति बने। इसके लिए पश्चाताप करना अनिवार्य है। प्रभु यीशु का संदेश यही रहेगा, पश्चाताप करो। और यीशु बुलाते थे समाज में जो तिरस्कृत है, जिनके पापी मानते माने जाते थे, जैसे नाकेदार लोग, यहूदी नाकेदारों को पापी मानते थे। नाकेदार का अर काम था टैक्स लेना, यहूदियों से टैक्स लेता था, परंतु ये टैक्स जाते थे रोम में, सम्राट कैसर के सेवा में ही लोग समर्पित थे और टैक्स लेकर रोम भेजते थे, मैंने कि रोम के लिए वो लोग काम करते थे। और यहूदी उसको देशद्रोही मानते थे क्योंकि रोम विदेश का शासक है, और ये रोम के लिए काम करना देश के लिए, अपने धर्म के लिए, यहूदी धर्म के लिए, अपने यहूदी जाति के लिए, ये एक प्रकार का धोखा है। इसलिए उनको भ्रष्ट मानते थे, पापी मानते थे। और यीशु इन लोगों को बुलाते हैं, आओ। यीशु पश्चाताप के लिए बुलाते हैं, यीशु ने कहा कि पश्चाताप करो, और ये सबों को बुलाते थे, पश्चाताप की ओर बुलाते थे। आज प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया, चरवाहे के 100 बेड़े थे, उनमें से एक भड़क गई, तो चरवागा 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर कोई हुई भेड़ के पीछे जाते हैं, उनका उनका अन्वेषण करते हैं, उनको खोजते रहते हैं, उनका नाम लेकर पुकारते हैं। यदि हमारा कुछ चीज़ खो जाते हैं तो हम भी यही करते हैं। जैसे मोबाइल खो गया, आजकल मोबाइल सबों के पास होगा, खो गया कहीं हम भूल गए हैं, लोग उसके पीछे दौड़ेंगे, कहाँ मेरा मोबाइल है। या घर में टीवी का रिमोट कंट्रोल कहीं खो गया है तो लोग खोजेंगे, नहीं तो टीवी नहीं देख पाएंगे। तो ये इसी हमारा कुछ चीज़ खो जाता है, हम उसकी खोज में जाते हैं, जिस तरह हमको उतना अनुराग है उतना उस खोज का वो दर्द हमें होगा, हमारे लिए वो मूल्यवान है।
प्रभु ने दृष्टांत के इस अध्याय में लूकस के सुसमाज अध्याय 15 में 3 दृष्टांत दिखाए हैं। एक है 100 में से एक को गया। दूसरा दृष्टांत जो आज हम सुनेंगे वो मंगला के साथ 10 सिक्के दी, उनमें से एक गए, 10 में एक गया, दूसरा 100 में एक गया। दूसरा है कोया कोया बेटा, 2 बेटों में से एक को गया। तो इनका दर्द उसका भयानक होता है जिनका नुकसान हुआ है। प्रभु कहते हैं ईश्वर के राज्य के लिए ये भी बहुत दर्ददायक बात है। कोई भी मनुष्य पाप करके ईश्वर के प्रेम से दूर हो जाता है, ईश्वर के लिए स्वर्ग राज्य के लिए खो जाता है, ये बहुत ईश्वर के लिए भी दर्द की बात है। ईश्वर मनुष्य बनकर उस खोए हुए की खोज में आते हैं। प्रभु यीशु वही मनुष्य है, वो ईश्वर मनुष्य बनकर आने आया वाला और ईश्वर के राज्य का संदेश सबों को फैलाने वाला, सबों को देने वाला, सबों को निमंत्रण देने वाला। आओ, हमारे ईश्वर प्रेम है, आओ ईश्वर का प्रेम का अनुभव करने के लिए। ईश्वर पापी के लिए, पापी का उद्धार के लिए सब कुछ होने के लिए तैयार था। वो यीशु इसलिए क्रूस पर हमारे लिए मरे हैं, इसलिए वो संदेश प्रभु ये दृष्टांतों के द्वारा देता है। हमें चाहिए हम पश्चाताप करें। पापी को पाप का रास्ता छोड़ देना यही पश्चाताप है। पश्चाताप करने से पापी जब पिता के पास लौट आएंगे तो पिता के लिए बहुत आनंद है। जो 10 सिक्का जिस स्त्री की खो गई थी, ये सिक्का उनको दहेज के रूप में मिलता है। शादी के अवसर पर यहूदी परंपरा के अनुसार स्त्री को कुछ दिया जाता है उपहार के रूप में। उनको 10 चांदी का सिक्का मिला था, ड्राकमा। ये एक प्रकार की माला बनाकर पहनती थी और अपने सिर पर पहनती थी। और उनकी हर संस्कृति में अलग अलग तरीके के स्त्री का ये आभूषण रहता है। हमारे देश में इधर जो मंगलसूत्र के रूप में कहते हैं, शादी किए गए औरत मंगलसूत्र पहनती है, और साउथ में दक्षिण भारत में तो ताली पहनती है। और ये चिन्ह रहता है कि उनकी शादी हो गया, आज जिस वर ने उसकी शादी किया वो इसको पहनाता है। और स्त्री के लिए ये सम्मान की बात है और उनके लिए उनका ये बहुत बड़ी निधि है ये मंगलसूत्र रखना। इसी तरह ये औरत का जो 10 सिक्का उनको मिला था, ये माला के रूप में पहने वाली उनमें से एक सिक्का खो गई, तब वो बहुत दुखी होती है। उसको खोजते खोजते, क्योंकि उनके लिए सम्मान की भी बात है, यदि उनका मंगलसूत्र खो गया तो समाज में बुरा सोचेंगे। और ये स्त्री का यही दशा है। प्रभु कहते हैं जब स्त्री को मिल जाता है अपना खोए हुए सिक्का, वो आनंद मनाती है। ईश्वर के राज्य में भी यही है। हाँ, ईश्वर सबों को जोड़ना चाहते हैं, हमारे प्रभु यही चाहते हैं। वो केवल ईसाइयों के लिए नहीं, सब मानव के लिए। और एक ऐसे दुनिया जैसे जौन का सुसमार अध्याय 11 पद संख्या 50 में ये कहते हैं, हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। जौन कहते हैं कि वो प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे, और ना केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसीलिए भी कि वह ईश्वर के बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले, सभी लोगों को एकत्र करे। सभी ईश्वर के संतान है, संतान बनने के लिए बुलाए गए, परंतु पाप के कारण वो अपने पिता के घर छोड़कर पाप के दास बन गए। उनको वापस लाना यही प्रभु का दौत्य रखा था, प्रभु वही हमें भी देते हैं। दिवाली का संदेश यही है, पश्चाताप करो, प्रकाश में आओ, ज्योति के संतान बनो, और ये ज्योति चमकते रहे। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा तुम्हारा ज्योति चमकते रहे, पगाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। इसी तरह हर विश्वासी अपने अच्छे आचरण से, प्रभु के मूल्यों के प्रति अर्पित जीवन से ये साबित कर सकते हैं कि वो ज्योति के संतान है। और हम ज्योति फैलाए, पूरे विश्व में फैलाए, भाईचारे की ज्योति, प्रेम की ज्योति और मूल्यों की ज्योति, सनातन मूल्यों की ज्योति। ईश्वर का राज्य वही है। पौलुस आगे कहेंगे ईश्वर का राज्य खाने पीने की बात नहीं है, न्याय, भाईचारा, प्रेम का संदेश है।
आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे आज के इस त्यौहार के लिए, आज के इस पाठ के लिए। प्रभु हमें निमंत्रण करते नया बनो, दिवाली सबको नया बनने का अवसर देते हैं। हम भी नई सृष्टि बने, नए इंसान बने, हमारा परिवार नया बने, हमारे आपसी रिश्ता नया बने और स्वाभिमान बने। आइए इस मतलब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, ये संसार की ज्योति, ओ यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता, तूने अपने जीवन देकर हमें ईश्वर का प्रेम का अनुभव दिया है। क्रूस पर तू तड़पे तड़पे हमारे लिए मरे प्रभु, तूने अपना रक्त बहाया ताकि सब लोग पाप के बंधनों से मुक्त हो जाए। पाप हमें शैतान का दास बना देते हैं। पाप के बंधनों से मुक्त होना ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हमारे भाई बहनों को ये शक्ति दे, तेरी आशीष कृपा मिले, आत्मा का अभिषेक मिले ताकि वो बुराई को छोड़े और नई सृष्टि बने, नया जीवन बने, कभी भी ना खो जाए। जैसे खोई हुई भेड़ को पाने पर उसका मालिक खुश हो जाता है, प्रभु हम चाहते तू भी हमारे मन परिवर्तन पर खुश होते हैं। ये प्रभु तेरे प्रेम का अनुभव हम बांटे, हमारे जीवन में जो कुछ अनुभव है उसको हम दूसरों के साथ बांटे। दिवाली हमें कहते हैं हम खुशी हम बांट दे। आइए उस अनुभूति से, उस प्रेरणा से हम इस दिवाली को मनाते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।